अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के ऐतिहासिक पल के गवाह बनने लोग सभी काफी उत्साहित नजर आए। इस मौके पर देश भर के मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रांची के कई जगहों पर भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जायजा लिया हमारे संवाददाता अंजनी ने। रांची में हर ओर जो है इसी तरह का भजन और कीर्तन हो रहा है। हम इस वक्त विधायक सरयू राय के आवास पर हैं और यहाँ भी विशेष व्यवस्था की गई है। ये आप देख सकते हैं जो भजन मंडली है वो पूरी तरह से भजन में लीन है और ये भजन कहीं ना कहीं श्री राम को लेकर ये भजन गाया जा रहा है। तो ये एक माहौल है, एक उत्सव है और इस उत्सव में तमाम लोग जो हैं लगातार ये भजन गा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह से जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसके उत्सव जो है हर घर में हर इलाके में दिखाई दे रहा है। राम राम कहियो और मंगल भावनाय मंगल हारी द्रबहु जगस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये आज का जो दिन है कैसे आप लोग क्या क्या हो? देश के लिए गौरव की बात है जब आज रामलला का शिलान्यास हो रहा है। भारतीय जन मोर्चा झारखंड प्रदेश ने आज अपने यहाँ ये भजन का कार्यक्रम रखा है और हम सभी भजन का आनंद ले रहे हैं और ये भजन चलता रहेगा। आज सुबह का हमारा कार्यक्रम था एक पेड़ श्री राम के नाम, तो एक पेड़ हमारा श्री राम के नाम का कार्यक्रम हुआ और देश नहीं प्रदेश में हर जगह एक वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और दूसरा कार्यक्रम जो है हमारा ये भजन कीर्तन का चल रहा है और दूसरा भजन कीर्तन का कार्यक्रम के साथ साथ शाम को 7 बजे से हर मंदिरों में हर जगह हमारे कार्यकर्ता घरों में लगाएंगे और दीप जलाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह से भगवान राम के रंग में जो है पूरी रांची जो है रंग रही है और एक उत्सव है। ये आप देख सकते हैं भगवान राम के नाम है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अभि दास के साथ अंजनी कुमार रांची। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।